तो ये अपनी गाड़ी रेडी हो गई, पूरी साफ सफाई हो गई और लगभग 8,500 रुपये का खर्चा आया सर्विस का। ठीक है, सही है भाई। काहे की खुशबू आ रही इसके अंदर से? एसी वेंट की जो क्लीनिंग हुई है। अच्छा, खुशबू देखो, इंटीरियर क्लीनिंग का कमाल है। अच्छा, और एसी वेंट का कमाल है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता है आप सभी अच्छे होंगे। फिलहाल तो यार बज रहे हैं 10 और अभी जस्ट उठे हैं, मतलब आधे एक घंटे हो गया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अभी जा रहे हैं वीडियो एडिट करने, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो मेरा एक फ्रेंड आ रहा है दिल्ली से, तो उसको लेने जाना है। एक्चुअली यहाँ चारबाग पे वो आ जाएगा और लगभग उसकी ट्रेन 12:50 तक आ जाएगी और 12:10 हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि निकल जाऊँ यहाँ से। ऑलमोस्ट होने वाला है, 97% हो गया है, तो बस थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा क्या ही लगेगा, तो हो जाए फिर कंप्यूटर बंद करके चलते, वरना खुला रह जाएगा। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है अंदर से भी और बाहर से भी, तो अच्छा हुआ सर्विस करवा रहा है इसकी, काफ़ी साफ़ हो जाएगी, अच्छी लगेगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर। इसमें तो बैठने का मन भी नहीं कर रहा है, इतनी गंदी है। देखते ही देखते बारिश होने लगी, मतलब कोई भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी, क्योंकि कल भी मौसम लगभग ऐसे ही था पूरा दिन, तो कल तो रात में हुई थी और आज तो काफ़ी जल्दी हो गई, लगभग 12:30 बज रहे हैं अभी। तो यहीं से राइट मुड़ जाते हैं और चलते हैं नाके। तो स्पीकर तो मैंने दे दिया विहान को, लेके चला गया है और शायद कल या फिर आज शाम को मिल जाएगा मुझे वापस। तो अभी चलते हैं यहाँ से चारबाग। पार्थ का कॉल भी आया था कि मैं पहुंच जाऊंगा 10 मिनट में। कितना हुआ भाई? 60 रुपये। ये ले। तो यहीं पे आएगी ट्रेन, देख कहीं लगा लेते हैं गाड़ी। बहुत गाड़ियां खड़ी हैं यार। तो दिल्ली से आया मेरा दोस्त, पीछे कर ले थोड़ा सा। हमारे ख्याल से जो सामने ट्रेन आ रही है यही है, आपको दिखाता हूँ वो जो सामने आ रही है, धीरे धीरे आ रही काफी ज्यादा। आ गई आ गया है पार सामने, मन्नू भी पहले ही आ गया था
और भाई क्या हाल, अकेले दिव्यांशु आ गया वो दिव्यांश तो सुबह ही मिले होगे ना तुम लोग तो? नहीं 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 तो अच्छा चलो चले चलो थे दस्तर खां सामने है दस्तर, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं थी तो हम लोग को इधर वाल बैठना पड़ा। चिकन मसाला अपना आ चुका है, खाते हैं। क्या हुआ? ओह इधर स्नैप मेरी तो आदत ही नहीं है स्नैप स्नैप की, सबसे सही है बंदा फट फट बस आया स्टार्ट है। सब खा लिया, पार्थ को छोड़ भी दिया है और अभी जाते हैं अपनी गाड़ी को, इस गाड़ी को सर्विस पे दे देंगे। और लेट हो गया, वैसे 3 बज गया है। उम्मीद करते हैं आज ही गाड़ी मिल जाए, अगर आज नहीं मिलेगी तो आज नहीं देंगे इसको, कल देंगे। फिर चलते हैं। बारिश बहुत तेज हो गई है एकदम से देखते ही देखते, और फिलहाल तो सदर पहुंच गया हूं और पहुंचने वाला हूं जहां पे गाड़ी सर्विस पे देनी। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं सर्विस पे दे तो दूं, लेकिन वहां से मैं आऊंगा कैसे क्योंकि बारिश हो रही है यार, तो समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा बारिश। और गंदा हो गया है। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई है भाई, और समझ में नहीं आ रहा दें गाड़ी या ना दें, बड़ी ही कंफ्यूजन है भाई। चल के देखते हैं अंदर पहले। तो इधर का शीशा थोड़ा सा खुला हुआ था, मैं देख रहा हूँ पानी कहाँ से लीक हो रहा है। पहले मुझे लगा यहाँ कहीं से लीक हो रहा है, इधर कहीं से, क्योंकि इधर आ रहा था पूरा। मैक्सिम बाइक करके घर आ गया था और चाय वाय भी पी ली है, और लगभग 5:45 हो रहा है, तो अभी निकलते हैं हम और आकाश। अरे यार सर्विस अभी भी है, इतनी जल्दी भाई पानी ऊपर से आया कहीं से, बारिश हुई उसकी वजह से। कोई नहीं, सब तो चलता रहता है। और अभी चलते हैं, मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी सर्विस हो गई, तो गाड़ी उठा लेते हैं, आकाश चला लेगा ये वाली गाड़ी और मैं कार चला लूँगा और घर आ जाएंगे वापस। तो ये है अपनी गाड़ी, रेडी हो गई, पूरी साफ़ सफाई हो गई, और लगभग 8,500 रुपये का खर्चा आया सर्विस का। ठीक है, सही है भाई। काहे की खुशबू आ रही इसके अंदर से? एसी वेंट की जो क्लीनिंग हुई है। अच्छा, खुशबू देखो, इंटीरियर क्लीनिंग का कमाल है। अच्छा, और एसी वेंट का कमाल है। ये सब साफ हुए, एसी वेसी सब पूरा साफ हुआ है, और डोर का बता रहे थे। और इसके अंदर इंजन ऑयल, सिंथेटिक इंजन ऑयल पड़ा हुआ है, कौन सा? यही वाला ना? सिंथेटिक। अच्छा, वो महंगा आता है, वो लगभग 3,500 रुपये का पड़ा, लगभग 2700 रुपये का इंजन ऑयल पड़ा हुआ है। बाकी पूरी गाड़ी चमक रही है प्रॉपर, एकदम बढ़िया। ये सही, ये वाइपर इसके सही नहीं थे, वाइपर सही हो? वाइपर ब्लेड आपकी सही है, अभी चलेंगे बढ़िया, अभी चलेंगे वाइपर ब्लेड है। वो जो बीच बीच में वो आ रहा था वो सही हो गया? कौन से? अरे मतलब जैसे ये चलता था तो इसके बीच में लाइन आ जाती थी, बीच बीच में अगर देखिए वाइपर चला कर लाइन होती तो आया देता। देखिए वाइपर यहाँ से, ये देखिए
टोटल ये वाइपर चलने के निशान है। अच्छा हाँ, देखिए अगर वाइपर चलता तो बीच में निशान आता है। सही है, बाकी सारी चीजें हैं। ये लाइट अच्छा थी नहीं आपके पास? जी वो तो हमने बताया डी आर एल वाली बता रहे नहीं जल। हाँ ये वाली नहीं जल रही थी, वही डी आर एल प्रॉब्लम है, इसको डी आर एल कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है सर। आकाश तो अंदर भी काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग करी गई है, ये सब पॉलिश लगी हुई है, चमक रही है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, और सब कुछ एकदम प्रॉपर किया गया भाई, अच्छा लगा मुझे सर्विसेज का। चलते हैं, आ गए थे हज़रतगंज और गाड़ी मैंने घर पे खड़ी कर दी है और ले रहे हैं सेव अपने लिए। कभी मिलना इस पर सोचेंगे, कभी मिलना इस पर सोचेंगे, हम क्या मंजिल पर पहुंचेंगे, रास्ते पे ही लड़ते जाते हैं, मेरे जख्म नहीं बढ़ते यारो, मेरे नाखून बढ़ते जाते हैं। देखो कहाँ बड़े हैं। तो फिलहाल तो घर आ गए थे और एडिट कर रहे थे अपनी MX की वीडियोस, और पुरानी कुछ वीडियो थी उसको भी एडिट कर रहे थे ताकि MX प्लेयर पे डाल, MX टकाटक पे डाल सके। और आज का व्लॉग मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे ख़त्म हुआ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। इतना तो पता है कि हाँ गाड़ी लेके घर आ गया था मैं वापस और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही चली और हानी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।